बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद उरूज। में आज की जो रेसिपी है वो है इंस्टेंट कोकोनट लड्डू की रेसिपी। ये मिनटों में तैयार होने वाला मज़ेदार मीठा है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा खोपरा फाइन क्वालिटी का ले लिया। ये जो आपको इसमें ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है असल में वो हरी इलायची का पाउडर है, वो भी शामिल कर दिया। अब फ्राई पैन में घी लिया, आप चाहे तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। घी को गर्म नहीं करना, बस घी डाला और ऊपर से कोकोनट डालकर 1 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भूनना है, मगर इसे जलाना नहीं है क्योंकि खोपरा बहुत जल्दी जल जाता है और बहुत ही स्लो फ्लेम पर भूनती रही। फिर इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर दिया और साथ में कुछ नट्स भी ऐड कर दिए, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ते क्रश करके शामिल कर दिए। फिर दूध शामिल किया और स्लो फ्लेम पर कुक करती रही जब तक दूध अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। जब मिल्क ड्राई हो गया तो फ्लेम ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ फ्रेश नारियल को ग्रेट कर लिया था जो लड्डू के ऊपर कोट होगा, और मैं इसे कलरफुल बना रही हूँ तो इसमें रेड और ग्रीन कलर ले लिया। मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, आप लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं। अब लड्डू के बैटर के पोर्शन कर लिए थे। गरम गरम में एक पोर्शन में रेड कलर शामिल किया, दूसरे में ग्रीन कलर शामिल किया और बाकी के पोर्शन को मैंने वाइट ही रखा। अब टीस्पून की मदद से बैटर को लेती गई और लड्डू का शेप देती गई और ग्रेटेड नारियल में कोट करती रही। लड्डू तैयार है। इस तरह के कपकेक्स आते हैं, आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे कोकोनट लड्डू प्रिपेयर कर लिए थे। लड्डू रेडी हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में स्वीट्स के तौर पर भी रख सकते हैं। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।